मैं करूंगी शहजाद के साथ स्पाइसी मैक्रोनी चैलेंज। ये देख ली, ये बंदा बहुत क्या, इसको मैं बोलूं ये चीटिंग करता है। कभी कहता है मैं आपके साथ, कभी कहता है मैं अपने डैडी के साथ हूँ। वेलकम टू अनिलास वर्ल्ड। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। आज मैं करूंगी शहजाद के साथ स्पाइसी मैक्रोनी चैलेंज। मैक्रोनी हमने प्लेट्स में डाल के रख ली है, शहजाद भी बैठ चुके हैं और बस एक मिनट दो मिनट का हम लोग करेंगे टाइम सेट इस पे और फिर हम लोग करेंगे चैलेंज स्टार्ट। देखते हैं कौन जीतता है। ये देखें जी, मैं करने लगी हूँ टाइम सेट। यहाँ पे हम लोग करेंगे दो मिनट का टाइम सेट और देखते हैं दो मिनट में कौन खाते, क्योंकि स्पाइसी मक्रूनी बहुत स्पाइसी है। टिक्का मक्रूनी वैसे भी आपको पता है स्पाइसी होती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्पाइसी की हुई है। तो देखते हैं, ये देखें जी करने लगी हूँ मैं स्टार्ट। ये टाइम हो गया है शुरू। चलें जी शुरू। और इस चैनल में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, जितनी मर्जी स्पाइसी और जितनी मर्जी मीठी लगे पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। पारी पारी। गाइस मैं आपको क्या लगा सकता हूँ? तो मजी मैं भी करूँ। पारी। पारी पारी। मैं जागती। अभी है जी चुके हैं। कितने टाइम में? दो मिनट हो गए थे पूरे। पानी पिलाओ। दो मिनट हो चुके हैं। मुझे पानी पिला, जल्दी कर पानी पिलाओ। पानी जीतने के बाद पीते नहीं मम्मा जी, तुम पानी नहीं था चीटिंग चोर डोनी। अच्छा जी, तो शहजाद जीत चुके हैं। हम लोग में बात हुई थी कि जो जीतेगा वो एक दूसरे को, मतलब जो भी बताएगा उसे वो करना पड़ेगा। तो शहजाद आप बताएं मैं क्या करूं आपके लिए, क्या सजा आप मुझे देना चाहते हैं हारने की? चले तो जायरिस ने खाना है KFC। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनको खिलाया KFC। हम लोग KFC खाने जाएंगे। तो आपको कैसा व्लॉग लगा? अगर अच्छा लगा हो चैलेंज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। ये देख ली, ये बंदा बहुत क्या, इसको मैं बोलूं ये चीटिंग करता है। कभी कहता है मैं आपके साथ, कभी कहता है मैं अपने डैडी के साथ हूँ। मोए मोए करता है। KFC नहीं खिलाना मैंने तुझे। मजा आ गया रे। यस मैं हार गई।